नमस्कार। जी हाँ, इस वक्त सबसे बड़ी खबर है गौ को लेकर, क्योंकि गौ में जबरदस्त तेजी का रुख बना हुआ है। 2800 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गौ बिक रहा है। गौ का समर्थन मूल्य मात्र 2015 रुपये। जानिए जल्दी कहाँ बिक रहा है गौ इस बार। समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य की कीमतों में एक बड़ा अंतर है। यहाँ सरकार केवल 215 रुपये क्विंटल के रूप में गौ खरीद लेगी, साथ ही किसानों की गौ है वो 2800 से 5000 क्विंटल पर बेची जा जाती है। इस बार मध्य प्रदेश, राजस्थान समर्थन मूल्य और बाजार के मूल्य की कीमतों में एक बड़ा अंतर है। जहां सरकार केवल 2015 रुपये क्विंटल को गौ खरीद लेगी, इस बार किसानों का गौ 2800 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल बेचती है। ये स्पष्ट है कि किसान समर्थन मूल्य पर गौ बेचने से हार जाएंगे, क्योंकि किसानों को दिया गया बोनस नहीं है और एक भावना होगी कि उनके साधारण सामान बाहर आ जाएंगे। यहाँ तक कि इस तरह की किसानों को सब्सिडी मूल्य के लिए गौ बेचने के लिए राजी नहीं किया जा रहा है। मामले में मंडियों में गौ की अच्छी कीमत है। गौ अभी 2500 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 2800 और कंपी गौ से 5000 रुपये प्रति क्विंटल की अधिक बिक्री के लिए शुरू हुई। इसीलिए हम कीमत के बजाय पैसों का समर्थन मूल्य के लिए बाजार में गौ बेच सकते हैं। यह बोनस समर्थन मूल्य पर उपलब्ध नहीं है। प्रति क्विंटल के हिसाब से 20 रुपये कम भी लगेगा। बता दें कई मंडियों में गौ का जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। गौ सरबती का रेट रहा है वो 4570। ये सीहोर मंडी की बात है, मध्य प्रदेश मंडी की बात चल रही है। मंडी आष्टा की बात करें तो मंडी आष्टा में गौ सरबती का भाव रहा 5675 तक। यानी गौ में इस बार देखा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ आवक भी देखने को मिली। सीहोर मंडी में हुई रिकॉर्ड तोड़ आवक ने भी जबरदस्त तेल का मचा दिया। इस बार गौ में जबरदस्त तेजी का रुक रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध गौ ने तोड़ डाला सारा रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के इस मंडी में गौ 5675 रुपये तक भी जबरदस्त तेजी का रुख हमें देखने को मिला था। अगर कोई नई अपडेट आएगी तो उसके बारे में आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। इसीलिए आप इस चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।